अस्सलाम वालेकुम क्विटर वॉइस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाज़रीन, इस वक्त मैं सरवान हाउस के बाहर यहां चौक पर मौजूद हूं। अब से थोड़ी देर के बाद साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रे सानी, साबिक वज़ीर दाखला बलोचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ीरी, साथ ही दो साबिक सूबाई वज़रा मीर अमानुल्लाह नफीज़ई और हजी ग़ुलाम दस्तगीर बादिनी जो है वो जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत करने वाले हैं। जमीयत के मरकजी अमीर मौलाना फजल रहमान पहले ही क्वेटा पहुँच चुके हैं। ये इतनी बड़ी तादाद में अहम शख्सियात की जानिब से जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की जा रही है, इससे यकीनन बलूचिस्तान में एक सियासी तब्दीली जो है वो ज़रूर आएगी। हमने माजी में देखा है बल्कि हर वक्त देखा है कि जमीयत का जो सपोर्ट बेस है वो बलूचिस्तान के पश्तून इलाके रहे हैं। ये पहली मरतबा है कि बलूचिस्तान के बलोच इलाकों से बासर, जिनको इलेक्टेबल कहा जाता है, वो जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। यकीनन 2023 के जो आम इंतखाबात है उस पर इस शमूलियत के बराह रास्त असरात होंगे। असरात इन द सेंस कि हमने देखा है कि माजी में बल्कि जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, जमीयत उलमाए इस्लाम की हर वक्त बलूचिस्तान असम्बली में नुमाइंदगी रही है बल्कि हुकूमतों का भी हिस्सा रहे हैं। हमने देखा है हुकूमत जमीयत उलमाए इस्लाम को हमेशा उनके पास वज़ीर आला का उम्मीदवार नहीं होता था। वजूहात क्या होती थी जिसके बाद जमीयत उलमाए इस्लाम ने कभी नवाब अकबर खान बुगची को सपोर्ट किया, कभी सरदार अख्तर मंगल को सपोर्ट किया, कभी जान जमाली को सपोर्ट किया, कभी जाम यूसुफ मोहम्मद यूसुफ मरहूम को सपोर्ट किया, नवाब असलम रे सानी को सपोर्ट किया, अपनी गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना सके। उसकी वजूहात ये थी कि बलोच बेल्ट से उनके पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था। अब एक उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवारान जो है वो सामने आए हैं। गफूर इदरी साहब को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, वो उनका शुमार भी जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी रहनुमाओं में किया जाता है। नवाब रेसानी ज़ाहिर है वज़ीर आला बलोचिस्तान 5 साल तक रह चुके हैं, साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर ख़जाना और साथ ही पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं में उनका शुमार किया जाता था। आज अहम फैसला करने जा रहे हैं जमीयत उलमाए इस्लाम में नवाब असलम रेसानी, मीर अमानुल्लाह नफीज़ई ये वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन रह चुके हैं, हजी ग़ुलाम दस्तगीर बादिनी ये भी सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, साथ ही नवाबजादा मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ीरी साबिक वज़ीर दाखला बलोचिस्तान नवाब असलम रेसानी की कैबिनेट में रह चुके हैं। ये सारे शख्सियात अब से थोड़ी देर के बाद जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। यकीनन 2023 के इंतखाबात पर इसके असरात होंगे। ये पहली मरतबा हुआ है, हमने हमेशा देखा है यहाँ पे जो भी मखलूत हुकूमत बनी है जमीयत उलमाए इस्लाम उसका ज़रूर हिस्सा बनी है। लेकिन 2013 से लेके जब डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जिनका ताल्लुक जो नेशनल पार्टी के सरबराह थे, वो वज़ीर आला बलोचिस्तान बने, पश्तूनख्वा में उनकी इतिहादी थी, साथ ही मुस्लिम लीग नून उनके साथ भी उनका इतिहाद था, उस वक्त से जमीयत उलमाए इस्लाम को बलूचिस्तान कैबिनेट से माइनस किया गया। नवाब ज़ेरी की हुकूमत बनी फिर भी जमीयत उलमाए इस्लाम जो है हुकूमत का हिस्सा ना बनी। फिर आपने देखा जाम कमाल खान वज़ीर आला बलोचिस्तान बने, जमीयत उलमाए इस्लाम फिर हुकूमत का हिस्सा नहीं थी। फिर मीर कुद्दूस बिज़िंजो, अब जाहिर है तो अपोजिशन में, ये हकीकत है कि हुकूमत से भी अभी आजकल ज़्यादा काम कर रहे हैं, डी फैक्टो गवर्नमेंट है आज की जो अपोजिशन है। तो कहने का मकसद ये है 10 साल होने वाले हैं जमीयत उलमाए इस्लाम जो है वो हुकूमत से बाहर है। 2023 के जो इंतखाबात है वो यकीनन बहुत अहम है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स जो है जमीयत उलमाए इस्लाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पश्तून इलाकों में तो इनका एक सपोर्ट ज़रूर मौजूद है। 2023 के इलेक्शन पर इस शमूलियत के बरह रास्त असरात होंगे। हम अब यहाँ से अब जाएंगे सरवान हाउस, वहाँ पर मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमाए इस्लाम के मरकजी अमीर और साथ ही मौलाना अब्दुल वासे या जो दिगर कायदीन हैं वो पहुँचने वाले हैं। उनकी मौजूदगी में ये जो शख्सियात है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रेसानी,
साबिक वज़ीर दाखला बलोचिस्तान मीर ज़फ़रुल्लाह ज़ीरी, साबिक सूबाई वज़रा मीर अमानुल्लाह नुतीज़ई, हजी गुलाम दस्तगीर बादिनी और दीगर शख्सियात जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत का ऐलान करने वाले हैं। यकीनन इस शमूलियत के 2030 के आने वाले जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात, उस पर बराह रास्त असरात होंगे। ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम के पास 1970 से जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, जमीयत के पास वजारत आला का उम्मीदवार नहीं रहा है। कभी नवाब अकबर खान बुगची को, कभी सरदार अख्तर मेंगल को, कभी मीर जान मोहम्मद जमाली को, कभी जान मोहम्मद यूसुफ को, कभी नवाब असलम रेसानी को, इनको सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन इस वक्त लगता है कि जमीयत वाले खुद वजारत आला का मुतालिबा करेंगे और कहेंगे कि जी ये अब हमारी बारी है। ये पहली मरतबा हो रहा है कि बलोच जो इलाके हैं, बेल्ट है, वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में जो अहम शख्सियात है वो जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं। ये आपको आगाह करना था। अब हम यहाँ से जाएंगे सारावान हाउस के अंदर, मौलाना फजल रहमान जो है वो पहुँचने वाले, अगर कैमरामैन दिखा सके। सिक्योरिटी के भी काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार है, लेवीज एहलकार है, साथ ही जो इनके अपने जो सिक्योरिटी के लोग हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ कैंप्स लगाए गए हैं, यहाँ भी जमीयत के कारकुन जो है वो मौजूद है। यकीनन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह शमूलियत है, बलूचिस्तान में आने वाली जो सियासत है, गवर्नमेंट है, उस पर इसके बराह रास्त असरात होंगे। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।